नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है राहुल ऑनलाइन इन्फो। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है और वो बहुत ज्यादा परेशान है और मुझे कमेंट कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि सर क्या करें। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो बनाने का रीजन ये है ताकि आप दोबारा वो गलती ना करो। गलती तो आपने कर दी है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो गलती पहली कट ऑफ के अंदर कर रहे हो ना, वही गलती दूसरी कट ऑफ के अंदर भी कर दे रहे हो। पता नहीं कैसे, आपकी कमेंट की रिप्लाई भी तो करता हूँ मैं, बताने के बाद वो गलती कर दे रहे हो, बात गलत है। तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी है। और टॉपिक क्या है वीडियो का, टॉपिक ये है कि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें, आपको क्या सावधानी बरतनी है और आपको क्या सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले समझते हैं समस्या को। समस्या क्या है, आपका फॉर्म रिजेक्ट होना। तो रिजेक्ट होने के काफी सारे रीजंस होते हैं, काफी सारी वजह होती है रिजेक्ट होने की। तो सबसे जो मुख्य रीजन है ना, वो है आपकी परसेंटेज और आपकी कट ऑफ। मैंने बार बार बताया आपको कि आपको अपने से ज्यादा परसेंटेज वाले कॉलेज में अप्लाई नहीं करना है। ऐसा करोगे तो ड्यू टू लो परसेंटेज की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी परसेंटेज कम है और कॉलेज की परसेंटेज ज्यादा है तो आप एलिजिबल ही नहीं हो अप्लाई करने के लिए। अप्लाई कर रहे हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होना ही है, क्योंकि आपकी परसेंटेज लो थी। परसेंटेज कितनी आपकी 70 और कॉलेज की कट ऑफ कितनी 80, तो ऐसे में आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। मैंने बता रखा है आपको कि इतना बड़ा डिफरेंस आपको नहीं देना है ड्यू टू हाई परसेंटेज, यानी कि आपकी परसेंटेज थोड़ी हाई है और आपकी परसेंटेज कॉलेज से मैच नहीं हो रही है। मैंने बताया था आपको पहले भी कि अगर आपकी परसेंटेज कॉलेज की परसेंटेज से 1-2% ज्यादा है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सेकंड रीजन की, जो कि है और एक रीजन है कट ऑफ ना चेक करना। आप कट ऑफ चेक करते नहीं हो, डायरेक्ट अप्लाई कर देते हो। पहले कट ऑफ चेक कीजिए, कट ऑफ को समझना होता है। बैठिए, कट ऑफ चेक कीजिए, अपनी परसेंटेज को देखिए और अपनी कैटेगरी को देखिए और उसके बाद कॉलेज के परसेंटेज को मैच कीजिए अपनी परसेंटेज से। अगर आपकी परसेंटेज कॉलेज की परसेंटेज से मैच हो रही है तो अप्लाई कीजिए, और अगर आपकी परसेंटेज कॉलेज की परसेंटेज से 1-2% ज़्यादा है तो अप्लाई करके कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी परसेंटेज कॉलेज की परसेंटेज से ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कि 5-6-7-10% ज़्यादा है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आपकी परसेंटेज कॉलेज की परसेंटेज से कम है तो ऐसे में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेन रीज़न ये है कि आप कट ऑफ को चेक करते नहीं हो और अप्लाई कर देते हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद रीजन एक होता है गलत कॉलेज में अप्लाई करना। ये समस्या भी आपको कट ऑफ ना चेक करने की वजह से ही होती है। आप कट ऑफ चेक करते नहीं हो और गलत कॉलेज के अंदर अप्लाई कर देते हो, अप्लाई उसमें करते हो जिसकी परसेंटेज काफी ज्यादा है या फिर परसेंटेज काफी कम है, तो ऐसे में तो जाहिर सी बात है आपका फॉर्म रिजेक्ट होना ही है। और उसके बाद समस्या आती है आपको डॉक्यूमेंट मिसमैच की। आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उस डॉक्यूमेंट्स में गलती निकलती है, तो ऐसे भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर जब फॉर्म भरा था ना तो नहीं बोला इन्होंने कि डॉक्यूमेंट गलत है, आप क्यों बोल रहे हैं। तो देखिए, आप जब अप्लाई करते हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, लेकिन जब कट ऑफ के अंदर अप्लाई करते हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स कॉलेज तक पहुंचते हैं, कॉलेज डॉक्यूमेंट चेक करते हैं आपकी कि आपने क्या गलती की है, तब आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो पहले आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, फॉर्म रिजेक्ट होता है बाद में जब आपके डॉक्यूमेंट्स कॉलेज चेक करता है। तो डॉक्यूमेंट्स मिसमैच के रीजन क्या होते हैं देख लीजिए। तो सबसे पहला रीजन होता है रिजेक्ट होने का रॉन्ग मार्क्स। तो आप यहाँ पे गलत मार्क्स भरते हो, आप ठीक से अपने 12th क्लास के मार्क्स फिल नहीं करते हो, अपने प्रैक्टिकल के मार्क्स ठीक से फिल नहीं करते हो, तो ऐसे में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है कॉलेज की तरफ से। और इसके बाद अगला रीजन होता है कास्ट सर्टिफिकेट का। क्या है ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या कराया ना, अपने सर्टिफिकेट को नहीं लगाया, अपने पापा के कास्ट सर्टिफिकेट को लगा दिया है, जो कि गलत बात है। आपको यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना था। अब बच्चे कहते हैं कि सर हम तो स्कूल में ये देते हैं, तो ये स्कूल नहीं ये कॉलेज है, स्कूल में सब कुछ चलता है लेकिन कॉलेज के अंदर ये सब नहीं चलता है। कॉलेज के अंदर आपको अपना ही कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ता है, तभी आपका एडमिशन कन्फर्म होता है। और उसके बाद मान लीजिए सर्टिफिकेट भी आपका है, उसके बाद ही फॉर्म रिजेक्ट हुआ, तो रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि मान लीजिए आपकी मार्कशीट के अंदर नाम है अंजलि, ठीक है, और आपके एससी सर्टिफिकेट के अंदर नाम क्या है अंजलि कुमारी, तो ऐसे में क्या हुआ आपके डिटेल्स मिसमैच हो गई और ऐसे में फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलता है, वो इसको रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि आप नया कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। आपको टाइम देते हैं वो 1-2 दिन का और आपको कहते हैं कि आपको दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट इस मेल आईडी पर मेल करना होता है। ये तो बात होगी आपके कास्ट सर्टिफिकेट की। अब बात करते हैं आधार कार्ड प्रॉब्लम की। तो देखिए, यहाँ पर आधार कार्ड आपके लिए रेजिडेंस प्रूफ के लिए काम आता है, जो कि आपके दिल्ली के एड्रेस का प्रूफ होता है कि आप दिल्ली के निवासी हो। अब गलती क्या करते हैं बच्चे, मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड है तो क्या करते हो ना, आप आधार कार्ड के फ्रंट साइड अपलोड कर देते हो बस, फ्रंट में तो एड्रेस होता ही नहीं है, तो फायदा क्या हुआ रेजिडेंस प्रूफ का, तो ऐसे में तो रिजेक्ट करेंगे ही। और नेक्स्ट रीजन क्या होता है आपके एड्रेस का, आपने फॉर्म के अंदर कुछ और भर रखा है और आधार कार्ड लगा रखा है कहीं और का, तो ऐसे में भी आपका आधार कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन कॉलेज टाइम देता है आपको कि आपको उस टाइम पीरियड के अंदर अपना आधार कार्ड अपडेट करा कर वहाँ पर दोबारा से अपलोड करना होता है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको एक राहत मिलती है, आप अपने आधार कार्ड को फिर से यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। और एक समस्या बच्चों को आ रही है एड्रेस प्रॉब्लम की। ये समस्या क्या है, अपने फॉर्म के अंदर भर रखा है रोहिणी का एड्रेस, लेकिन आपका जो आधार कार्ड है ना वो है पश्चिम विहार का, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मिसमैच हो गए एड्रेस की वजह से और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपसे कहेगा कि आप दोबारा से अपना रेजिडेंस प्रूफ लगा दीजिए, उसमें आप अपना राशन कार्ड, अपना आधार कार्ड, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपना पासपोर्ट लगा सकते हो। और हाँ,
एक समस्या बच्चों को देखने को मिल रही है, कौन सी, कि हमारे में अप्लाई का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए रीजन काफी सारे होते हैं, लेकिन जो मेन रीजन है ना वो है बच्चों ने अप्लाई कर रखा है, बच्चों ने एड्रेस भर रखा है कहाँ का, दिल्ली का, और आधार कार्ड लगा रखा है उत्तर प्रदेश का, तो ऐसे में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि NCWEB एडमिशन सिर्फ दिल्ली की लड़कियों के लिए ही है, दिल्ली से बाहर की लड़कियों के लिए नहीं है। और कई बच्चों में दिक्कत यह है कि उन्होंने क्या कर रखा है ना, फॉर्म के अंदर एड्रेस भर रखा है यूपी का, उत्तर प्रदेश का, और आधार कार्ड भी उत्तर प्रदेश का ही है, तो ऐसे में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। रिजेक्ट क्या हो रहा है ना, अप्लाई का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो समझ लो कि अप्लाई तो अप्लाई कर ही नहीं पाओगे, तो फॉर्म रिजेक्ट ही मान लो एक तरीके से, क्योंकि उनको अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल ही नहीं रहा है, और रीजन उनको पता ही नहीं है, वो कन्फ्यूज है बिल्कुल, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि जो NCWEB एडमिशन है ना वो सिर्फ दिल्ली की लड़कियों के लिए है, जो दिल्ली के निवासी हैं उनके पास दिल्ली का रेजिडेंस प्रूफ है, सिर्फ वही बच्चे NCWEB में अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके पास दिल्ली के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपने फॉर्म भर दिया है, तो आपको अप्लाई का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा और आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। और मान लीजिए आप दिल्ली के निवासी हो, आपने दिल्ली का प्रूफ लगा रखा है और फिर भी अप्लाई का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप फिर NCWEB कॉलेज से बात कीजिए, कॉन्टेक्ट कीजिए और कॉलेज के नोडल ऑफिसर से बात कीजिए, वो आपकी समस्या का सोल्यूशन कर देंगे। हो सकता है कि आगे से ही कोई इशू हो जो कि वो ठीक कर दें। तो ये थे आपके फॉर्म के रिजेक्ट होने के रीजंस, और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।